सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग बहुत ही शानदार और ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। और थैंक यू हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। मुझे पता है आप लोग मन में ही बोल दोगे, लेकिन ठीक है। एंड पहले तो शुरुआत करते हैं 6 बजे मॉर्निंग से। मैं 5 बजे उठ गया क्योंकि आज मेरा बर्थडे है ना, तो सुबह आज अच्छे दिन है तो दिन का शुरुआत सुबह से ही करते हैं। तो आओ पहले जिम करते हैं, उसके बाद क्या क्या आज करते हैं क्योंकि आज मेरा दिन है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है, मज़ा भी आएगा। आइए आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है। डेडलिफ्ट खत्म, बारी है इसकी। आज मेरा बैक है तो फुल बैक का वर्कआउट करेंगे, ठीक है। भाई देखो वर्कआउट, अब बारी है मेरी बर्थडे की। तो मेरे जितने ट्रेनर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। तो मुझे नहीं पता, मुझे कहीं यहाँ बैठने के लिए वर्कआउट कम्प्लीट करके। और ये रिक्कू भैया। हाँ तो भाई देखो सारा सरप्राइज रेडी है एंड अभी सारा कुछ लगेगा तो मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो चिल करो अभी। देखो अब केक कटने जा रहा है, सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेने, क्योंकि आज मैं आया नहीं हूँ और घर जाके नहाऊंगा, पूजा करूंगा तो उसके बाद। लेकिन यहाँ पर सारे लोग हैं तो सारे काम करना पड़ता है ना, सारा मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, कहना ये है। तो आइए चलिए चलते हैं, काटे। ये है मेरे लिए बिछाया गया अच्छी तरीके से, ये मैं ही लाया हूँ, खास बात ये है। थैंक यू, चलते हैं घर, ठीक है भैया। नमस्ते भैया, जा रहे हैं घर भैया, जा रहे हैं घर भैया, ठीक है। राम राम। हाँ तो भाई चलते हैं अब घर, अब पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई नहा धो के रेडी, पूजा पाठ भी कर लिया और ये देखो भगवान। तो आज चलते हैं बरगदही मंदिर, जो कि हनुमान जी से मिलते हैं, ठीक है। मुझे मिलना क्या है, प्रभु ने पुकारा तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो पहले फिलहाल लड्डू लेते हैं सूरज चाचा की दुकान से, उसके बाद वहाँ चलते हैं। तो आ जाइए। लो भाई ये है लड्डू। तो भाई बरगद नहीं पहुंच गया आज, चलो चलते हैं। फिलहाल फ्रेश होते हैं, मतलब हाथ गुण मुँह धोते हैं, उसके बाद चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हाँ तो भाई पूजा पाठ अच्छे से कर लिया, ठीक है। प्रसाद भी चढ़ा दिया हनुमान जी को, अब प्रसाद बांट देते हैं सब में, मतलब सारे लोगों को चढ़ा दिया। तो मैंने 10 मिनट आराम करना बेटर समझा, अब चलो चलते हैं। फिलहाल प्रसाद देते हैं सबको। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद, लीजिए। हैप्पी बर्थडे। हम अगर पान भी खा लिया, मीठा खाना हमारा थोड़ा वर्जित है। अरे ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए। दे तो पकड़े पड़िए क्या। लो भाई तुम भी खाओ हनुमान जी का प्रसाद लीजिए। सर भगवान आपकी आयु को लंबी बनाए, बस वही चाहिए और कुछ नहीं। दे दीजिए। लो तो भाई अब चलो चलते हैं फिलहाल घर,
और मन की शांति तो काफ़ी ज़रूरी है। सारे लोगों को मैं सजेशन करना चाहूँगा, मंदिर में ज़रूर आओ, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिलहाल घर। भाई अभी अभी घर आया हूँ और पहले खाते हैं चना और भेली। एंड मैंने घर वालों के लिए, मेरा बर्थडे मतलब मैंने घर वालों के लिए सरप्राइज सोचा है, ठीक है। तो पहले इसे खाते हैं और सारा काम निपटाते हैं, उसके बाद सरप्राइज़ की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मज़ा बहुत आएगा, यहाँ तक देखो तो फुल वीडियो जरूर देखना, मज़ा आएगा। हाँ तो भाई सारा काम कंप्लीट हो गया, अब चलो चलते हैं घर वालों के लिए सरप्राइज़ प्लान करते हैं। मतलब प्लान में सुबह से ही कर लिया था, अब उसे केवल लेने जाना है, ठीक है। वो तो चलते ही दिखाऊंगा, तो आइए चलिए चलते हैं। मैं देखो फाइनली मैं आ चुका हूँ उस दुकान पे, एंड चलो चलते हैं फिलहाल देखते हैं कौन सा फ्लेवर है कौन सा नहीं। तो लेते हैं केक, ठीक है। और देखो काफ़ी क्लासिक दुकान है। भैया नमस्ते भैया, केक चाहिए था, फ्रेश क्रीम, ये इतना है क्या? तो भाई अभी तो फिलहाल इतना ही है, लेकिन इसी में से, ऐसा नहीं है टेस्ट भी ठीक ठाक है, जो भी है इसी में से एक ले लेते हैं। हेलो सो भैया क्या प्राइस है इसका? हाँ भैया आ रहे हैं, शटर लगे आ रहे हैं भैया, लेके जा रहे हैं। क्या प्राइस है? बीच वाला। भाई देखो केक हमने पसंद कर लिया है और वो पैक भी हो गया है, लेकिन घर जाके खुलेगा कौन सा केक है, ये सरप्राइज रहेगा, ठीक है। तो पेमेंट करते हैं फिलहाल इसका। और दुकान देखो काफ़ी अच्छा है, ये देखो। सो पेमेंट करने के बाद अब चलते हैं घर। तो केक तो फिलहाल ले लिया था, अब फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कुछ और स्पेशल करने के लिए, तो मैंने पिज्जे की दुकान पे पिज्ज़ा लेना बेटर समझा, ठीक है। और वही दुकान है जो मैंने ब्लॉग में शूट करके दिखाया था। देखो तो पिज्ज़ा भी रेडी, देखो तो फाइनली मैं घर आ गया और ये रहा घर का पूरा सामान, ठीक है। तो इसे अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि मैंने घर वालों के लिए क्या क्या किया, ठीक है। सो भाई देखो फाइनली मैं अपने बर्थडे का, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन में क्या क्या कलेक्शन कलेक्ट किया हूँ, मतलब मुझसे जितना हो पाया आई ट्राई माई बेस्ट, मैंने दिया, ठीक है, 100%। और ये केक, पिज्ज़ा और मिठाई। तो दीदी, मेरे दीदी का पसंद का केक है क्योंकि उसको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो उसके लिए ये है। तो चलो चलते हैं फिलहाल, इंजॉय करते हैं, मिलते हैं इंजॉय करने के बाद। Happy birthday to you, happy birthday to me। तो भाई देखो केक अच्छे से कट चुका है, ठीक है। अब बारी है घर वालों के साथ सेलिब्रेशन करने की, जो कि मैं फेस रिवील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी तो 10,000 सब्सक्राइबर हुए नहीं। जिस दिन होगा उस दिन घर वालों का फेस रिवील करूंगा, और अभी करूंगा तो घर वाले मतलब मेरे पापा और मेरे भैया थोड़ा बुरा मान जाएंगे, तो कोई बात नहीं। तो मम्मी लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आया, तो आई होप आप लोग को भी पसंद आया। तो मिलते हैं सेलिब्रेशन करने के बाद। तो भाई सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा था और घर वाले काफ़ी खुश थे, तो हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में करता रहता हूँ, ठीक है, कि घर वाले कुछ ना कुछ तो खुश ही रहे हैं। वैसे तो चलता ही रहता है सबका, मतलब ये कोशिश रहता है सारे लोगों को कि खुश रहें। तो अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में, तब तक भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और मतलब मेरे जिम वाले जितने बंदे हैं, थैंक यू सो मच यार इतना मेरे लिए करने के लिए, मतलब ये सबसे अच्छा सबसे बेस्ट मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है आज तक, ठीक है। तो बाय।